अच्छी थी मूवी। श्रद्धा कपूर की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी, जो उनके फ्रेश थे मतलब स्टार्टिंग के, फिर उनका शादी के बाद एंड देन लास्ट में, दोनों बहुत काफ़ी अच्छी। सॉन्ग भी अच्छे हैं मूवी के अकॉर्डिंग। आई मीन स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बांध के रखी है, लास्ट तक काफ़ी अच्छा था। मतलब आई गेस 4। हाय, मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि ऐसी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद नहीं है, ये फाइटिंग गुंडागर्दी आई डोंट लाइक। बस श्रद्धा कपूर ने शायद इसलिए एक्टिंग की थी इसमें, इसलिए मैं देखने आई, बट देख के बहुत अच्छा लगा। और इनका जो था हसीना आपा का थिंकिंग मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि मैंने सुना था कि वो गुंडी टाइप की थी और सबको मारती थी और खून कराती थी, मर्डर कर, बट बिल्कुल अलग है। अगर रियल स्टोरी है ये तो शी इज़ वेरी गुड। मुझे तो बहुत बांध के रखी थी, मेरा तो गाने पे और चीज़ों पे ध्यान ही नहीं था पूरा, सिर्फ इनकी एक्टिंग पे और जो सीन चल रहा था, जो स्टोरीज थी, पूरा ध्यान मेरा उसी पे था। पूरी सॉन्ग्स अच्छे थे, सॉन्ग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया मेरा, पूरा सीन पे ही और स्टोरीज पे ही ध्यान था। 5 स्टार मेरी तरफ से पूरे। हसीना पारकर बहुत अच्छी मूवी है, फर्स्ट टाइम नेगेटिव रोल में हमने देखा है श्रद्धा कपूर को, और उनके डैड का किरदार ऐसा लग रहा है वो निभा रहे, आई थिंक दिस इज़ अ गुड, और उनको ऐसे ही रोल करने चाहिए। आखिर में आगे जाके फिर ऐसा लगेगा कि एक फिर से उनका और डैड का जो है रोल वो कंटिन्यू करेंगे। यस कंटिन्यू करना चाहिए वो, बिकॉज उनको बहुत सूट कर रहा है वो रोल, इसीलिए वो कंटिन्यू करने चाहिए। बाकी नॉर्मली वो जो करते हैं और एक्टिंग वो ठीक है, नॉर्मली ऐसा लगता है, लेकिन ये रोल में उन्होंने कुछ हटके काम किया है, तो द गेस्ट ऑल्सो लाइक दिस, और पब्लिक का भी रिव्यू अच्छा आ रहा है, और आई थिंक इसके स्टार भी अच्छे मिलेंगे, अराउंड 3-3.5 स्टार तो मिलने ही चाहिए। यस, दिस फिल्म के बाद तो, ये फिल्म के बाद तो ऐसा लगता है कि अभी आपा के नाम से उनको बुलाया जाएगा। कितने स्टार देना चाहेंगे? अराउंड 3.5 स्टार तो मिलने ही चाहिए। ओके, थैंक यू। तो आपने कौन सी मूवी देखी? हसीना। It was fabulous. I liked the movie, how Shraddha Kapoor did in that. It was a good job of her. It's like many of the time Shraddha Kapoor has been seen like in romantic love, means like love story film, something different to this time. I love that movie, and I think so this Shraddha Kapoor should be going on this movement only, because in this role she is like fabulous. So the movie was very good, and I think so Shraddha Kapoor should carry on in this same position, like how she was doing, like yeah. So every time we have seen Shraddha Kapoor leading with someone else, like many people, but this movie has been like, he says Shraddha Kapoor has been. It's good that she was alone. Means like, I think so Shraddha Kapoor should do more films like this only, because for means like many of the fan followings of her kinds, means like many of the fan followings like me, I'm a big fan of Shraddha Kapoor. I like the movie, so it's good that she do a proper single movie for them herself only. Yeah. It's good. And means like it was very good, and she should do more like this films only, not means like a couple movie or like love stories and all. She should be doing like a reality movies, like now how she did. It was very good movie. So we can say it's like a full entertainment. Yeah, it was very entertaining movie. Okay, so like how many stars would you like to give? I will be giving like 3.5-4. That's it. ठीक ठाक है। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? गाने किस तरह के थे? ठीक ठाक है, कोई खास नहीं। कितने स्टार देना चाहेंगे आपको? 5 में से 3 देना चाहूँगा। कौन सी पिक्चर देखी आपने? हसीना पार। कैसी लगी आपको मूवी? वो तो पिक्चर तो अच्छी लगी थी, वो श्रद्धा कपूर थे, उनका नेगेटिव रोल था। हाँ। तो किस तरह के लगे नेगेटिव रोल में श्रद्धा कपूर आपको? कोई सब खास स्टोरी नहीं था, अच्छा नहीं लगे था वो। अच्छा, गाने किस तरह के लगे आपको? गाने तो कुछ सही थे। कितने साल थे? अभी तो 3 साल। कौन सी मूवी देखी आपने? हसीना पारकर। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। श्रद्धा कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी, फैंटास्टिक। उनको नेगेटिव रोल कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अच्छा, गाने की बात करें तो गाने किस तरह? गाने बहुत अच्छे थे, बट बैकग्राउंड में चलता गया तो काफ़ी हो। सो कितने स्टार्स देना चाहेंगे? सॉरी, कितने स्टार्स देना चाहेंगे?
3. थैंक यू सो मच.